नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ महिमा पांडे और आप देख रहे हैं NH 24/7। तो आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश हॉट सीट में। हॉट सीट में हम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की उन हाई प्रोफाइल सीटों पर चर्चा करेंगे जिन पर पूरे देश और प्रदेश की नजरें टिकी हुई हैं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश की सबसे हॉट सीट बुधनी विधानसभा के बारे में। तो मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान के गृह क्षेत्र बुधनी विधानसभा में उनके रिकॉर्ड को अब तक कोई नहीं तोड़ सका है। वो 5 बार से यहां से जीत चुके हैं और हर बार जीत का अंतर बढ़ता ही गया है। देखिए इस रिपोर्ट में। बुधनी विधानसभा से सीएम शिवराज सिंह चौहान 5 बार चुनाव लड़ चुके हैं। बुधनी विधानसभा से यूं तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों के प्रत्याशी चुनाव जीतते आ रहे हैं, लेकिन 2003 के बाद से ही बुधनी बीजेपी का गढ़ बन गई है। चलिए आपको यहां हार जीत के बारे में बता देते हैं। बुधनी विधानसभा से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पहला चुनाव 1990 में लड़ा था। शिवराज सिंह चौहान को इस चुनाव में 43,948 मत प्राप्त हुए थे, जबकि कांग्रेस के हरि सिंह को 21,138 वोट मिले थे। शिवराज सिंह चौहान ने यह चुनाव 22,810 वोटों से जीता था। 2003 में राजेंद्र सिंह राजपूत बीजेपी के निशान से चुनाव लड़े और जीते, जबकि कांग्रेस ने पूर्व मंत्री राजकुमार पटेल पर विश्वास जताया था। राजेंद्र सिंह राजपूत को इस चुनाव में 58,052 मत प्राप्त हुए, जबकि राजकुमार पटेल को 47,616 मत मिले। वहीं 2006 में हुए उपचुनाव में बीजेपी ने शिवराज सिंह चौहान को प्रत्याशी बनाया, कांग्रेस ने राजकुमार पटेल को प्रत्याशी बनाया। शिवराज सिंह चौहान को यहां से 66,689 मत मिले। वहीं राजकुमार पटेल को 30,164 मत मिले। शिवराज सिंह चौहान ये चुनाव 36,525 वोट से जीते। वहीं 2008 में चुनाव में फिर बीजेपी ने शिवराज सिंह चौहान को प्रत्याशी बनाया, जबकि कांग्रेस ने महेश सिंह राजपूत को प्रत्याशी बनाया। शिवराज को इस चुनाव में 75,828 वोट मिले, जबकि महेश राजपूत को 34,303 वोट मिले। इस तरह शिवराज यह चुनाव 41,526 मतों से जीते। 2013 के चुनाव में बीजेपी ने फिर शिवराज सिंह चौहान को प्रत्याशी बनाया, जबकि कांग्रेस ने महेंद्र सिंह को प्रत्याशी बनाया। शिवराज सिंह चौहान को 1,28,730 मत मिले, जबकि महेंद्र सिंह चौहान को 43,925 वोट मिले। शिवराज ने यह चुनाव 84,805 मतों से जीता। 2018 के चुनाव में बीजेपी की ओर से शिवराज सिंह चौहान प्रत्याशी बनाए गए, जबकि कांग्रेस की ओर से पूर्व PCC चीफ अरुण यादव को प्रत्याशी बनाया गया। इस चुनाव में शिवराज को 1,23,492 वोट मिले, जबकि अरुण यादव को 64,493 वोट प्राप्त हुए थे। शिवराज सिंह चौहान ने यह चुनाव 58,999 मतों से जीता। ब्यूरो रिपोर्ट, INH 24/7 भोपाल। इधर सीहोर जिले की बुधनी विधानसभा से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी हैं। चुनाव की कमान शिवराज की धर्मपत्नी साधना सिंह और उनके बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान ने संभाल ली है। उन्होंने बुधनी विधानसभा के रेहटी और भैरुंदा में चुनाव कार्यालय का शुभारंभ किया है। देखिए इस रिपोर्ट में। सीएम शिवराज सिंह चौहान चुनाव में अपनी जीत का क्रेडिट सलकनपुर देवी माता को देते हैं। आचार संहिता लगने से पहले वो यहाँ माता से आशीर्वाद लेने भी आए थे। सलकनपुर बुधनी विधानसभा का लोकप्रिय तीर्थ स्थल है। सर, दिव्य देवी लोक का यहाँ पर पूरा एक निर्माण होने जा रहा है। देवी जी की कृपा है, उन्हीं की कृपा से हो रहा है। पूरे प्रदेशवासियों के लिए नवरात्रि ये देवी महाकाल
देवी महालोक का यहाँ माँ की कृपा से ही निर्माण होगा। माँ सब पर कृपा की वर्षा करें, माँ सब पर कृपा की वर्षा करेंगी, ये शिवराज जी का कहना है। और हम लगातार माता का आशीर्वाद लेने के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान अब प्रदेश के चुनावी अभियान में व्यस्त हो गए हैं। लेकिन इधर बुधनी विधानसभा में प्रचार की कमान उनकी पत्नी साधना सिंह और बेटे कार्तिकेय ने संभाल रखी है। बुधनी विधानसभा के रेहटी और भेरुदा में चुनाव कार्यालय शुरू हो चुका है। साधना सिंह कार्यकर्ताओं को विकास कार्य और योजनाओं को लेकर जनता के बीच जाने को कह रही हैं। वो कह रही हैं कि कोई घर नहीं छूटे, हर घर में हमें जाना है। साधना सिंह का दावा है कि इस क्षेत्र के विधायक शिवराज सिंह चौहान ने इलाके की तस्वीर और तकदीर दोनों बदली है। आज हम सभी ने भेरुंदा में नगर चुनावी कार्यालय का उद्घाटन हम सभी ने मिलकर किया है, खासकर हमारी मातृशक्तियां जिन्होंने मेरे साथ में यहां पर पूजन करी है। मेरी सम्मानीय मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों और मेरी मातृशक्तियों, योजनाओं के बारे में तो भाटी जी ने, गुरु जी ने, रवि भैया ने सब कुछ बता दिया है। मैं आपको बताती हूँ कि किस प्रकार इस क्षेत्र के विधायक ने यहाँ की तस्वीर और तकदीर बदली है। 30 साल से मेरा यहाँ का रिश्ता है। मैं जब पहली बार शादी होकर के आई थी तब मैंने देखा था कि यहाँ की हालत कैसी थी, कैसे लोग थे, लेकिन अब मैं देखती हूँ तो मुझे इतना अच्छा लगता है कि हमारा बुधनी, हमारा भेरुंदा, हमारा रहती, हमारा गोपालपुर इतना विकसित हो गया है, लोगों के चेहरे पे चमक आ गई है। जो लोगों ने प्यार अपने भैया को किया है वो अभिभूत है, मैं उसके लिए आपकी सबकी आभारी हूँ। मेरे भाइयों और बहनों, चुनाव का बिल्कुल बच चुका है, हमारे सामने प्रत्याशी कोई भी हो हम उसको नहीं देखना है, हमें देखना है कि हमारे सामने जो प्रत्याशी है वो उसका विकास क्या है। इसलिए हमको इस चुनाव में अधिक से अधिक मेहनत करनी है, ज्यादा हल्के पन में इस चुनाव को नहीं लेना है। इस चीज को लेकर के मैं आपसे चार चीज कहूंगी कि मेरे कार्यकर्ता भाइयों बहनों, आप सभी मुंह में चक्कर, पैर में चक्कर, सीने में आग और सर में बर्फ लेकर के जाना है इस चुनाव में, क्योंकि मुंह में चक्कर। साधना सिंह कार्यकर्ताओं को एक और मंत्र देते दिखी हैं। वो कह रही हैं कि मुंह में शक्कर, पैर में चक्कर, सीने में आग और सिर पर बर्फ, इन चार चीजों को ध्यान में रखते हुए चुनाव में जुट जाएं। उधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय चौहान का कहना है कि कार्यकर्ताओं की मेहनत से इस चुनाव में जो नतीजे आएंगे वो चौंकाने वाले होंगे। राज्य विधानसभा की 230 सीटों में से बुधनी 156 नंबर की सीट है। बुधनी विधानसभा सीट राज्य के सीहोर जिले की 4 सीटों में से एक है और ये विदिशा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। बुधनी विधानसभा सीट ग्रामीण क्षेत्र की सीट है। यहाँ पर कुल 2,45,000 से ज्यादा मतदाता हैं, जिनमें से 1,28,000 से ज्यादा पुरुष वोटर हैं, जबकि 1,16,000 से ज्यादा महिला मतदाता इस विधानसभा क्षेत्र में हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में बुधनी विधानसभा के लिए 83% से ज्यादा मतदान हुआ था। अनुराग मालवीय के साथ भेरुदा से मुकेश प्रजापति, INS 24/7 भोपाल। इधर बुधनी विधानसभा से कांग्रेस ने टीवी कलाकार विक्रम मस्ताल को टिकट दे दिया है। वो सीएम शिवराज सिंह चौहान को यहां से टक्कर देंगे। आइए आपको विक्रम मस्ताल के बारे में कुछ खास बातें बताते हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश की बहुचर्चित विधानसभा सीट बुधनी से कांग्रेस ने युवा विक्रम मस्ताल यानी हनुमान जी पर भरोसा जताया है। विक्रम मस्ताल किसान परिवार से हैं, जबकि इनकी हायर सेकेंडरी तक की शिक्षा ग्राम बाया में हुई। स्नातक तक की पढ़ाई नर्मदा महाविद्यालय नर्मदापुरम में हुई है। विक्रम मस्ताल पेशे से एक अभिनेता है, उन्होंने टीवी शो और वेब सीरीज में काम किया है। 2008 में आई रामायण में विक्रम मस्ताल ने भगवान हनुमान का किरदार निभाया था।
इसके अलावा विक्रम मस्ताल ने टीवी सीरियल रजिया सुल्तान और हाल ही में आई वेब सीरीज आश्रम 3 में भी काम किया है। विक्रम मस्ताल ने डिस्कवरी जीत पर 21 सरफरोश नामक एक टेलीविजन शो भी किया था। विक्रम मस्ताल ने वेब सीरीज 80-90 पूरे 100 में भी अभिनय किया है। विक्रम मस्ताल ने टॉप गियर बैटल ऑफ सारगढ़ी में भी काम किया है। विक्रम मस्ताल के भाई अर्जुन शर्मा राजनीति में सक्रिय थे, जबकि विक्रम मस्ताल कुछ महीनों पहले ही राजनीति में आए हैं। विक्रम मस्ताल ने कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ के सामने कांग्रेस की सदस्यता ली थी। विक्रम मस्ताल नर्मदा युवा सेना संगठन के संयोजक भी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ अनुराग मालवीय, INS 24/7 भोपाल। तो आइए अब आपको बताते हैं कि बुधनी सीट पर विक्रम मस्ताल की क्या तैयारी है। उनसे बातचीत की हमारे विशेष संवाददाता अनुराग मालवीय ने। बुधनी मध्य प्रदेश की सबसे हाई प्रोफाइल सीट है। हाई प्रोफाइल इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहां से चुनाव लड़ते हैं, लेकिन इस बार मुकाबला कुछ अलग अंदाज का है, इसलिए ये सबसे हॉट भी हो गई है। हॉट इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री के सामने है रामायण 2 के हनुमान, और दरअसल कांग्रेस ने इसे कलाकार वर्सेस कलाकार का भी कहीं ना कहीं संज्ञा दी इस चुनाव को। किस तरह की तैयारियां हैं सबसे पहले, क्योंकि राजनीति के मैदान में आए हैं आप स्क्रीन से। जी, तैयारियां बहुत अच्छी हैं और अभी गांव भ्रमण हो रहा है। हमने देखी विकास की गंगाएं हैं जो बह रही हैं, और लगता है कि 20 साल पहले कहीं विकास रुक गया था। धोखा हुआ लोगों के साथ, जिसे समझ रहे थे कि हम चांद उसे जमीन पे ले आए ये लोग। अगर बात करें, जिस तरह से हमने देखा रोज कमलनाथ जी के बयान आते हैं, एक्टर वर्सेस एक्टर का ये इलेक्शन की वो संज्ञा दे रहे हैं, ये क्यों है ये संज्ञा? देखिए, कलाकार वर्सेस कलाकार कमलनाथ जी बोल रहे हैं, क्योंकि कलाकारी तो की है शिवराज जी ने। कलाकारी के लिए मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। जब हम उनके क्षेत्र में, ये तो उनका कोर एरिया जहां घूम रहे हैं हम लोग, वहां पर कोई विकास नहीं है। यहां पर एक तालाब बना, उसमें मुझे समझ में आया कि बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। हर तरफ गबन है, रोडें टूटी हैं, अस्पताल ढंग से है नहीं, लोगों को आवास मिल नहीं रहे हैं, तो समस्या ही समस्या। तो आप कलाकारी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? जनता के साथ 18 वर्ष आप कलाकारी करते रहे। लेकिन ये भी तो कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री है, तो बतौर मुख्यमंत्री जो विकास हो सकता है वो कोई और नहीं करा सकता। देखिए, अगर इस बात की बात करूं, मैं छिंदवाड़ा मॉडल की बात करूंगा, वो तो 18 महीने के मुख्यमंत्री रहे हैं, पर विकास की जो कहते गंगा वहीं बही है विकास की। अच्छा, कितना कठिन मान रहे हैं जब एकदम शुरुआत हुई राजनीति की और सीधे टिकट मिला बुधनी से सामने प्रतिद्वंदी के रूप में शिवराज सिंह चौहान? कवन सुकाज कठिन जगमा है, जो ना हो तात तुम पाए। हनुमान जी और हनुमान जी के भक्तों के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। तो स्क्रीन के हनुमान जी जो हैं, वो स्वयं में अंदर उस अनुभूति को महसूस कर रहे हैं? नहीं, जनता जो है, जनता बहुत बड़ी शक्ति है। आपको जनता का हजूम बता सकता है कि ये जनता सभी हनुमान है, ये सभी असत्य से लड़ रही है, अधर्म से लड़ रही है, जो विकास के नाम पर विनाश हुआ उससे लड़ रही है। तो स्क्रीन के हनुमान यानी कि विक्रम मस्ताल जी साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि ये जो चुनाव है उसमें जनता ही हनुमान है, और जनता विकास की हकीकत के सामने चुनाव लड़ रही है। देखना होगा परिणाम क्या होंगे, लेकिन कॉन्फिडेंस विक्रम मस्ताल का भी उतना ही है जितना भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का। तो आज आपने देखा बुधनी विधानसभा सीट के बारे में, जहां पर मुकाबला काफी कड़ा है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, अगली बार फिर किसी